मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद मुरार पुलिस ने रुद्राक्ष अस्पताल के डॉक्टर और नर्स सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल नर्स ने महिला की सामान डिलीवरी कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद टांके लगाने से अधिक खून बह गया, जिससे शिशु की मौत हो गई। वहीं महिला को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका है। जब वो औरत और उसका पति उस कंडीशन में रुद्राक्ष हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पे कोई अटेंड करने के लिए कोई एक प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं था, और वहाँ पे उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं ने उसकी डिलीवरी अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, डिलीवरी कराने का प्रयास किया। और इसी प्रयास में जो प्रेग्नेंट महिला थी उसका यूट्रस बाहर आ गया था, और जो बच्चा था वो डिलीवरी के ड्यूरेशन में ही उसकी और वहीं पे मृत्यु हो गई थी। इसी बात को लेके जो फरियादी पक्ष है उसने हमें आवेदन दिया था।